नमस्कार किसान भाइयों, मैं दीपेंद्र कुमार जिला सुल्तानपुर से कृषि जागरण के फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल के माध्यम से आज मैं बताऊंगा कि सरसों की अर्ली सोइंग कैसे करें और सरसों की अर्ली वैरायटी का आप सोइंग करते हैं तो कैसे करें, इसकी हम पूरी खेती के बारे में हम बताते हैं। जैसा कि किसान साथी देख पा रहे हैं, हम यह एक एकड़ खेत में इसमें सरसों की बुआई RH 725 वैरायटी का हमने प्रयोग किया है। RH 725 जो है हमारे पूर्वांचल फार्म की एक बहुत ही फेमस वैरायटी है, जो पाइनियर जो सीड निकलते हैं सरसों के उसका टक्कर देती है। इसकी जो एवरेज यील्ड है वो लगभग 25 कुंटल पर हेक्टेयर है और 12 कुंटल ये एक एकड़ में इसकी उपज होती है। तो आइए हम इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी करते हैं, इसकी हम बुआई हमने कब की और इसकी कटाई कब होगी, इसके बारे में इसके पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते हैं। जैसे कि किसान साथी देख पा रहे हैं, हम एक एकड़ क्षेत्र में सरसों की बुआई किए हैं और सरसों की इसमें RH हम 725 वैरायटी का प्रयोग किए हैं। 725 वैरायटी की खास बात है, इसमें जो होती हैं शाखाएँ बहुत ज़्यादा निकलती हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। देख सकते हैं इसमें शाखाएँ देख रहे हैं, हर एक गांठ से शाखाएँ निकल रही हैं और इस समय हमारी जो खेत है फ्लावरिंग स्टेज पर है। तो हम इसकी पूरी खेती के बारे में बताते हैं और ये हमारी फसल जो है 70 दिन की हो गई है और ये फसल हमारी फ्लावरिंग स्टेज पर है, जिसमें दाने भी बन रहे हैं। देख सकते हैं दाने भी बनना स्टार्ट हो गया है और दाने इसमें अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि इसकी देख रहे हैं फलियाँ बहुत लंबी लंबी बन रही हैं। बताते हैं कि इसकी हमने बुआई के समय इसमें कौन कौन से प्रैक्टिसेस किए थे और बुआई के समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो जैसा कि किसान भाइयों, इसकी बुआई हमने लास्ट अक्टूबर वीक में किए थे। इसकी बुआई के समय हमने पहले इसमें पानी लगाया था और पानी लगाने के बाद जब मॉइस्चर अच्छा रहेगा हमारे खेत में तो जुताई अच्छी होगी। जुताई अच्छी होगी तो हमारे खेत में जो है इसका जमाव अच्छा होगा। इस जुताई करने के बाद इसमें हमने RH 725 वैरायटी का प्रयोग किया था और इसकी बुआई जमाई देख रहे हैं बहुत अच्छी हुई है। इसमें हमने कुछ थिनिंग भी किया था, इसमें सीड की मात्रा ज़्यादा पड़ गई थी तो इतने थिनिंग हमने किया था। तो बात करते हैं कि बुआई के समय कौन सा फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें जिससे कि हमारी सरसों की फसल है बहुत अच्छी हो। तो बुआई के समय हमने किसान साथी इसमें DAP का प्रयोग किया था जो मार्केट में उपलब्ध आता है। अब बात करते हैं इसकी हमने कितना एक एकड़ में कितना बीज डाला था। तो एक एकड़ RH 725 के लिए इसमें एक एकड़ के लिए 1 kg पर्याप्त है। 1 kg सीड की दाम है RH 725 का ये 400 से 500 के बीच में पर केजी इसका सीड उपलब्ध है हमारे मार्केट में। यह सीड केवल पूर्वांचल क्षेत्र पे ही मिलता है और UP में। तो हम बात करते हैं इसकी हमने सिंचाई कब की थी। तो इसकी सिंचाई हम 2 स्टेज पे करते हैं। यदि आपके पास सिंचाई ना उपलब्ध हो तो सिंचाई ना भी कर सकते हैं, लेकिन जिस किसान भाई के पास सिंचाई उपलब्ध है तो इसमें 1 या 2 सिंचाई ज़रूर करें। और पहली सिंचाई देख सकते हैं किसान भाई, जब हमारा पेड़ फ्लावरिंग स्टेज है, फ्लावरिंग शुरुआत हो रही हो तभी इसमें सिंचाई कर दें। और दूसरी सिंचाई जब हमारे दाने बन रहे हों या फ्लावरिंग आधी फ्लावरिंग पर हो, जो इसे इस समय है इसमें अभी नमी है तो सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है हमारे खेत में। और यदि आपके खेत में नमी नहीं है तो फ्लावरिंग स्टेज पर सिंचाई ज़रूर करें। और यदि आपके खेत में खरपतवार की समस्या है तो शुरुआती स्टेज में अपने खरपतवार को निकाल लें, जिससे कि हमारा सरसों की फसल है अच्छे से ग्रोथ करे। और इस समय हमारे खेत में खरपतवार की हमने बीडिंग भी करवाई थी, लेकिन अब खरपतवार जो इसमें जमे हैं हमारे से फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी जो सरसों की फसल है वो ऊपर निकल चुकी है और जो खरपतवार है वो नीचे ही रहेगा तो हमारी फसल को नुकसान नहीं करेगा। तो हम बात करते हैं इसमें एक बहुत बड़ी समस्याएँ आती हैं कि किसान भाई ज़्यादा सीड डाल देते हैं तो उसमें ज़्यादा पेड़ निकल आते हैं, जिससे हमारे पेड़ जो हैं वो उसका सही से ब्रांचिंग नहीं हो पाती है। तो इसमें एक होती है थिनिंग प्रोसेस, इसमें ज़्यादा पेड़ होते हैं उसको बिरलीकरण कर दिया जाता है, जैसे कि हमने इसमें बिरलीकरण किया है। स्पेसिंग बहुत अच्छे से इसमें हमने मेंटेन की है, जिससे कि अधिक से अधिक ब्रांचेज हों और हमारा उत्पादन अधिक हो। और बात करते हैं कि हम पहली सिंचाई के बाद कौन सा फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। पहली सिंचाई के बाद किसान साथियों, इसमें हमने यूरिया का प्रयोग किया था। यूरिया के साथ साथ आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं, तेल की मात्रा को बढ़ाता है और सरसों में लगभग 40-45% तेल होता है। और इस सरसों का तेल का प्रयोग बहुत सारे कामों में किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग हम खाने में करते हैं। तो किसान साथी देख सकते हैं हमारी सरसों की जो है
खेत में सबसे अच्छी फ्लावरिंग तो हुई है और इसमें पॉलिनेशन हो रहा है अच्छे से, इससे हमारी फसल जो है पॉड का फॉर्मेशन हो रहा है। देख सकते हैं अभी हमारी पॉड बन ही रही है और पॉड अच्छे से बनेगा तो हमारे जो पॉड जो देख सकते हैं किसान भाई बहुत अच्छी बन रही है और दानों की संख्या अब इसमें पूरी तरह से भरी है। और अर्ली वैरायटी में एक समस्या नहीं आती है, इसमें माहू की समस्या नहीं होती है। और जो किसान साथी हम लेट की बुआई करते हैं उसमें माहू की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो माहू की समस्या को उदाहरण के लिए बहुत सारे हमारे मार्केट में बहुत सारे केमिकल आते हैं, तो केमिकल का प्रयोग करें माहू से बचाने के लिए। इसके हमारी सरसों की फसल जो है फ्लावरिंग स्टेज पर है तो उसमें जब हार्वेस्टिंग होगा तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि हमारे खेत में उपज कितना हुआ। अब वैसे तो इस वैरायटी की उपज है लगभग 1 एकड़ में 12 क्विंटल और एक आप 1 हेक्टेयर में बो रहे हैं तो 25 क्विंटल इसकी उपज मिल जाती है। तो इसकी उपज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और तो दोस्तों सरसों की अच्छे उत्पादन के लिए आप उन्नतशील बीजों का चयन करें जिससे कि हमारा उत्पादन अच्छा हो। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि यह जानकारी और किसान भाइयों के पास पहुँचे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय जवान जय किसान।